नमस्कार, सभी आंगनबाड़ी सेविका बहनों का स्वागत है पोषण ट्रैकर ऐप की एक और नई महत्वपूर्ण अपडेट में। तो बहनों, पोषण ट्रैकर ऐप में एक और नई महत्वपूर्ण अपडेट आई है 19.9। जी हां, एक और नई अपडेट आप लोगों को यहां पे देखने को मिलेगी 19.9। फिलहाल अभी आप लोग देख रहे हैं जो पिछला अपडेट है 19.8 का अपडेट आप लोगों ने किया था, लेकिन इस अपडेट में आप लोगों के लिए चार महत्वपूर्ण अपडेट आई है। चलिए चारों महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बारी बारी से इस वीडियो में हम आप लोगों को दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप लोगों को करना क्या है। जैसे कि आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप में लॉगिन करते हैं अपना मोबाइल नंबर और एमपिन डाल के, तो सिंपली उसी प्रकार से यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। चलिए यहाँ पे हम लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना एमपिन और मोबाइल नंबर डाल लिया है। डालने के बाद यहाँ पे सिंपली लॉगिन करेंगे। और आप लोगों को बेसिकली बता दें कि पोषण ट्रैकर ऐप में जो महत्वपूर्ण अपडेट आई है वो लॉगिन को लेकर आई है। यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर लिख के आ रहा है पोषण ट्रैकर अपडेट, यानी कि पोषण ट्रैकर ऐप को आपको एक बार फिर अपडेट करना होगा। तो चलिए कैसे अपडेट करते हैं, आप डायरेक्टली यहाँ पर अपडेट वाले पर क्लिक करेंगे तो सीधे प्ले स्टोर पर चले जाएँगे, या फिर प्ले स्टोर पर जाके आप लोग पोषण ट्रैकर लिखेंगे तो आप पोषण ट्रैकर ऐप का जो अपडेट है वो देख पाएंगे। ठीक है, जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे हैं पोषण ट्रैकर ऐप का जो अपडेट है वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है, और ये एकदम लेटेस्ट अपडेट है, 7 दिसंबर 2023 का अपडेट ये आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको वर्जन चेक करा देते हैं। देख सकते हैं 19.9 का ये जो अपडेट है वो यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पे बात करते हैं पोषण ट्रैकर ऐप में जो अपडेट आया है, चार महत्वपूर्ण अपडेट, वो क्या क्या है। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को ध्यान से देखना होगा, जैसे कि आप लोग देख पाएंगे पहला जो अपडेट लिखा हुआ है वो रिस्ट्रिक्टेड लॉगिन एमपिन फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 3 टाइम्स इन केस ऑफ रॉन्ग एमपिन एंट्री। यानी कि जब आप पोषण ट्रैकर ऐप में लॉगिन करते हैं उस टाइम अगर आप 3 बार गलत एमपिन डाल देंगे तो आप लोगों को वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका लॉगिन पिन जो है कि वो फिर से बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप में जब भी लॉगिन करना है ध्यान से करना है, जो भी आपने एमपिन बनाया होगा वही आपको डालना है। 3 बार अगर गलत एमपिन डाल देते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपका जो लॉगिन अकाउंट है उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें कैसे ठीक करेंगे अगर ऐसा हो जाता है तो। ठीक है, ये पहला अपडेट है। दूसरा अपडेट है आप लोगों का बग फिक्सेस, यानी कि पोषण ट्रैकर ऐप में जो छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है उसको ठीक किया जाता है। और तीसरा यहाँ पे आया है सिक्योरिटी फिक्सेस, यानी कि सिक्योरिटी को लेकर कुछ यहाँ पे अपडेट आई हुई है। उसके बाद यहाँ पे चौथा है हाइट रिस्ट्रिक्शन अप्लाइड, हाइट कैन नॉट बी प्रोवाइड लेस देन प्रीवियस एंट्री। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि पोषण ट्रैकर ऐप में जिन भी बच्चों का हम ग्रोथ मॉनिटरिंग करते हैं तो आप लोगों को पता ही है कि बच्चों का हाइट बढ़ता है न कि घटता है, तो इसके लिए आप लोगों को जो भी हाइट डालना है प्रीवियस एंट्री से बढ़ा के ही डालना है, आपको उससे कम नहीं डालना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर चार महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो सिंपली आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर आपको अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पे हम अपडेट कर देते हैं। अगर आप सभी आंगनबाड़ी बहनों को हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। यदि सेविका बहन इस चैनल पे नई आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे हमारा पोषण ट्रैकर ऐप अपडेट हो चुका है। सिंपली अब इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। ओपन जैसे ही करेंगे तो देख सकते हैं जैसा कि हमने आपको शुरू में ही दिखाया था कि जो 19.8 का अपडेट है उसमें आप लोगों को लॉगिन पिन मांग रहा था, और यहाँ पे 19.9 का जो अपडेट है यहाँ पे आप लोगों को नीचे देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो पहला अपडेट आया है यहीं पे आप लोगों को समझना है, लॉगिन टू योर अकाउंट। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि पोषण ट्रैकर ऐप में ये जो अपडेट है वो महत्वपूर्ण अपडेट लॉगिन को लेकर आया था, कि पोषण ट्रैकर ऐप में आप अगर गलत एमपिन डाल देते हैं 3 बार तो आपका जो ये लॉगिन पेज है उसको बैन कर दिया जाएगा, फिर आपको ऑफिस का चक्कर काटना पड़ सकता है। इसलिए आप लोग जो भी अपना एमपिन बनाए हैं वो ध्यान से आप लोगों को यहाँ पे आपको 4 अंकों का एमपिन का बॉक्स दिया गया है, यहाँ पे ध्यानपूर्वक भरना है और यहाँ पर लॉगिन करना है। अगर आप लोग यहाँ पर 3 बार गलत एमपिन डाल लेते हैं तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, आपका अकाउंट नहीं खुल पाएगा, तो आप लोगों को यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो आप लोगों को ऑफिस जाना पड़ सकता है, या फिर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है फॉरगेट एमपिन। ठीक है, यहाँ पे फॉरगेट एमपिन पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डाल लेना होगा। डालने के बाद यहाँ पे गेट ओटीपी का एक ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे गेट ओटीपी पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। वो ओटीपी डालने के बाद आप एक नया एमपिन सेट कर सकते हैं। बाय द वे ऐसा होता है तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी आप लोगों को करना क्या है, जो भी आपने एमपिन बनाया हुआ है वो आप लोगों को यहाँ पर सही सही लॉगिन
कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे हम अपना जो मोबाइल नंबर है वो डाल लेते हैं, और जो भी आपका एम पिन है वो आप लोगों को यहाँ पे डाल लेना है। यहाँ पे आप लोग सिंपली यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल नंबर यहाँ पे गलत बता रहा है, तो आप लोगों को यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर और एम पिन है वो आप लोगों को सही सही फिल कर लेना होगा, ठीक है। देख सकते हैं हमने अपना मोबाइल नंबर और एम पिन डाल लिया है। डालने के बाद जैसे ही लॉगिन कर रहे हैं तो इस प्रकार से आपका जो पेज है वो खुल के आ जा रहा है, यानी कि आपको जो डेली ट्रैकर का ऑप्शन आता है, आपने आंगनबाड़ी केंद्र खोला या नहीं खोला है, इस प्रकार से ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पे इस प्रकार से ओपन कर लेना है। बाकी जो अपडेट है दूसरा माइनर बग फिक्सेस, तो आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप में जो छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है उसको यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। तीसरा अपडेट है सिक्योरिटी फिक्सेस, यानी कि पोषण ट्रैकर ऐप में जो भी अपना मोबाइल नंबर और एम पिन डालते हैं उसको सिक्योर किया गया है कि कोई भी इसको गलत तरीके से यूज़ ना कर सके, ठीक है। इस प्रकार से तीसरा अपडेट है। और चौथा अपडेट आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि आप लोग ग्रोथ मॉनिटरिंग करते हैं तो जो भी बच्चों का हाइट वगैरह आप लोग डालते हैं तो आप लोगों को वहाँ पर भी थोड़ा ध्यान से काम करना होगा। जैसे कि प्रीवियस हाइट आप लोग जो भी डाले हैं उससे आप लोगों को लेस नहीं करना है, यानी कि उससे घटा के जो भी हाइट है वो नहीं डालना है, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि बच्चों का जो हाइट है वो हमेशा बढ़ता है ना कि घटता है। तो हाइट को लेकर वो अपडेट आई थी, आप लोग वहाँ पे हाइट कम डालेंगे तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो हाइट जो भी है वो आप लोग हर महीने बच्चों के हाइट को बढ़ाते हुए आपको वहाँ पर एंट्री करनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों के लिए ये चार महत्वपूर्ण अपडेट आई थी, जिसके बारे में आप लोगों को इस वीडियो में क्लियरली जानकारी मिल चुकी है कि किस प्रकार की ये अपडेट है। अगर आप सभी आंगनबाड़ी बहनों को पोषण ट्रैकर ऐप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, उसका वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलेगा, ठीक है। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बहनों तक शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।